मध्य प्रदेश में आज मूसाखेड़ी चौराहे पर 8 जनवरी की आम हड़ताल के लिए मजदूर चौराहे पर सभी मजदूर साथियों से सभी इंदौर वासियों से देशव्यापी हड़ताल के लिए समर्थन मांगा गया। इस दौरान संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रमोद नामदेव ने कहा कि देश की जो हालत है वह किसी से छुपी नहीं है। नए साल के उपहार में सरकार ने रेल का किराया और गैस के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों को पहले ही काम नहीं मिल रहा है, ऊपर से सरकार का ये कदम घातक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों का सरकार निजी हाथों में बेचकर जनता पर लूट का दबाव दे रही है, जबकि जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है। आपको बता दें कि इस देशव्यापी हड़ताल में किसान, मजदूर, दुकानदार, बैंक, BSNL, रेलवे और देश की तमाम ट्रेड यूनियन शामिल हैं। प्रदर्शन को नरेंद्र जायसवाल ने भी संबोधित करते हुए कहा कि पहले ही सरकार बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज का निजीकरण कर चुकी है और फिर भी रेल, पेट्रोलियम पदार्थों, गैस को निजी हाथों में बेचकर आम जनता पर एक खतरनाक वार करने जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में घातक सिद्ध होगा। इस दौरान उपस्थित मजदूरों ने कल होने वाली आम हड़ताल को सफल बनाने का समर्थन किया। इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। अभी आम हड़ताल है, इस आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए हमारे संगठन के साथी एक छोटी सी नुक्कड़ सभा यहाँ पर करेंगे। कुछ वक्ता यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा और कल होने वाली इस आम हड़ताल को आप सफल बनाइएगा। ये आम हड़ताल आप चौक चौराहे पे शराब की दुकानें देख रहे हैं, राशन की दुकान देखी अपने मोहल्ले के अंदर, अस्पताल देखा मोहल्ले के अंदर, स्कूल देखा मोहल्ले के अंदर, नहीं देखा। लेकिन सरकार अस्पताल नहीं खोलेगी, स्कूल नहीं खोलेगी, शराब की दुकानें खोलेगी, ताकि हम जैसे नौजवान शराब पिए और सरकार की तरफ हमारा ध्यान ना जाए, ऐसी सरकार नीति बना रही है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम मजदूरों की एकता को बुलंद करना होगा। ये 8 तारीख की जो हड़ताल हो रही है, उस हड़ताल में आपको समर्थन देना होगा। राज्य में बैठी सरकार हो, ये सारी की सरकारें क्या कर रही है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। ये आम मजदूरों की सरकारें नहीं है। आम मजदूर क्या चाहता है? एक मजदूर चाहता है कि शक्कर के दाम कम होना चाहिए, डीजल पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए, ताकि उनका किराया भाड़ा कम लगे। वो चाहता है कपड़े का दाम कम हो, आटा, तेल, नमक, चीनी के दाम कम हो। लेकिन पूंजीपति क्या चाहता है? जो बड़ा व्यापारी है, पूंजीपति चाहता है कि उसके शक्कर के दाम बढ़े, उसके तेल के दाम बढ़े, उसके कपड़े के दाम बढ़े, उसका किराया भाड़ा बढ़े। ये सरकार, ये पूंजीपति चाहते हैं। तो दोस्तों उनका फायदा और हमारा फायदा अलग अलग है, इसलिए हम लोग आपकी बात करने के लिए आए, हमारे पेट की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जो 8 तारीख की हड़ताल हो रही है, ये पूरे देश भर के अंदर मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे वो रेल कर्मचारी हो, चाहे बैंक कर्मचारी हो, चाहे वो डेली दिहाती करने वाला मजदूर हो, चाहे जो भी शिक्षक हो, ये तमाम JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।